मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। सुबह के समय प्रभु के चरणों में परमेश्वर के पवित्र वचन के सामने आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है। दुनिया में कितने लोग वचन के लिए तरसते हैं, लेकिन प्रभु हमें प्रतिदिन अवसर दे रहा है कि सुबह थोड़ा समय हम वचन को मनन करें, बलवंत हो और जीवन को सामना कर सकें। आइए आज के वचन मनन के लिए हम एफेसियों की पत्री 2 उसका 10वां वचन हम पढ़ें, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ये वचन हमारे मसीह जीवन का सारांश है और मानव जाति का एक ही आशा, पूरे मानव जाति के लिए एक ही आशा ये मसीह जीवन में ही है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको बनाया और वो भी अपने उस बड़े उद्देश्य से बनाया है, लेकिन ये बात का एहसास एक व्यक्ति के जीवन में तभी होता है जब उसके जीवन में मसीह के द्वारा नया जीवन आता है। जब मनुष्य ने पाप को अपने जीवन में जगा दी और अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करने लगा, परमेश्वर ने मनुष्य को कभी रोका नहीं। मनुष्य ने वो मार्ग चुना जो उसके दृष्टि में अच्छा लगता था और बार बार यही प्रयास करता रहा दिखाने के लिए, प्रमाण देने के लिए कि वो अपने जीवन का स्वामी है, लेकिन हर प्रयास में वो बुरी तरह विफल हुआ, क्योंकि पाप के उस डंक को, उस जहर को सामना करने के लिए मनुष्य में वो सामर्थ्य नहीं है। पाप के इस जहर के सामने मनुष्य बलहीन है। बेशक मनुष्य अच्छे काम करना चाहता है जैसे उसका विवेक उसे कहता है, लेकिन वो पाप का गुलाम होने के कारण, शारीरिकता के गुलाम होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाता। बहुत थोड़े से लोग हैं जो जिनका परमेश्वर से अच्छा संबंध है, केवल वही पाप की अभिलाषाओं पर जय पा सके, और उनके बारे में हम पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं। गंभीर विषय जो हमें समझना है कि परमेश्वर कभी भी मनुष्य की आजाद मर्जी में हाथ नहीं डालता है। परमेश्वर ने आजादी दी और परमेश्वर उस आजादी का आदर करता है, और इससे हम परमेश्वर की महानता को समझ सकते हैं। इस महान परमेश्वर के सामने सारी सृष्टि शर्म से सिर झुकाती है। जब एक व्यक्ति पाप में मरा है, वो कभी भी परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं सकता, लेकिन जब उसके अंदर वो अनंत जीवन आता है और उसका विवेक प्रभु यीशु के बहुमूल्य खून से शुद्ध होता है, तब वो होश में आता है और तब जाकर उसके अस्तित्व का अर्थ वो समझने लगता है। वो समझता है कि मसीह उसके अस्तित्व का आधार है, तब वो जाकर मसीह में जीता है, मसीह के लिए जीता है। एक व्यक्ति जिसके अंदर नए सिरे का जन्म हुआ, वो संपूर्ण रीति से एक नई सृष्टि है और परमेश्वर का भाग है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसकी हाथ की कला है, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया क्योंकि हम मसीह में हैं, और जहां हमारा प्रभु वास करता है हम उधर वास करते हैं। हम कितने आशीषित हैं इस नए जीवन के कारण, और इस नए जन्म के द्वारा परमेश्वर ने हमारे अंदर एक नया काम शुरू किया। परमेश्वर की आत्मा प्रतिदिन हमारे जीवन को बना रही है, परमेश्वर के वचन के अनुसार भले कामों के लिए बना रही है। यह ना सोचे कि परमेश्वर ने हमें आजादी दी है कि हम स्वयं तय करेंगे अच्छा और गलत क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। उसका मतलब जिस मार्ग में हमें चलना है उसके बारे में परमेश्वर ने पहले से वो मार्ग तैयार किया है, और वो मार्ग परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हमारे सामने है। इसलिए अति आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें, क्योंकि वही तो हमारे लिए दीपक है
जो हमें सही मार्ग में चलाएगा। आज बहुत सारे विश्वासियों के लिए जो समस्या है वो क्या है कि उन्होंने एक बार मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और उसके बाद वो सोचते हैं अब हम आजाद हो गए, अब हम अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के लिए जी सकते हैं। और वो ये सोचते हैं कि गीत गाने से, स्तुति करने से परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। बहुतों के लिए परमेश्वर का वचन बड़ा कठिन है, उनको लगता है हम इसको इसके अनुसार कैसे चलें, उनको लगता है पुराने जमाने के हिसाब का है और वो अपना ज्ञान लगाकर वचन में अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ करते हैं, समझौता करते हैं ताकि अपने जीवन शैली के साथ उसको ढालें। लेकिन परमेश्वर का सच्चा वचन जो परमेश्वर स्वयं है वो कभी बदलता नहीं, वो हमेशा एक सा है अनंत काल के लिए। हम परमेश्वर के हाथ के काम हैं, परमेश्वर हमें अपने दैवीय योजना के अनुसार जो उसने अपने वचन में लिखा है, प्रकट किया है, हमें बना रहा है। सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया और वो आज भी परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार चल रही है। ध्यान रखें, हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने सिर्जा, लेकिन परमेश्वर अपने हाथ के काम को उन्हीं के जीवन में प्रकट करता है जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर की इच्छा के लिए नम्र दिल से समर्पित है। ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर एक कुम्हार की तरह बनाता है ताकि हम परमेश्वर की योजना के लिए योग्य बने। हमारे अंदर वो आश्वासन होना है कि केवल प्रभु का हाथ ही हमें सिद्धता में बना सकता है। परमेश्वर का काम जो परमेश्वर की योजना के अनुसार है, केवल वही काम परमेश्वर की खूबसूरती को दिखाएगा जो अनंत काल तक बनी रहेगी। आइए हम अपने जीवन को हल्का ना लें ये सोचते हुए कि हमारी कमी कमजोरियों के साथ प्रभु हमें स्वर्ग ले जाएगा और प्रभु हमें उधर तैयार करेगा और हम एक ही क्षण में संत बन जाएंगे। ध्यान रखें, स्वर्ग पापियों को जबरदस्ती बदलने का जगह नहीं है, लेकिन एक ऐसा जगह है जिधर परमेश्वर की इच्छा हर क्षण सिद्धता से पूर्ण होती है। जब हम इस पृथ्वी में जीवित हैं, हमें मौका मिला है कि हम उस सिद्धता में बढ़े और ये निर्धारित ये उस बात पर निर्भर करता है कि हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम कितना है, पवित्रता के लिए हमारे अंदर इच्छा कितनी है। मसीह जीवन कुछ नियम और कानून देने वाला एक धर्म नहीं है। इसका आधार क्रूस पर जो प्रेम दिखा है वो प्रेम है इसका आधार, और वो प्रेम हमारे अंदर हमें विवश करता है कि हम भी अपने प्रभु के समान हो जाएं, और उस प्रेम के बंधन से हम बंध जाते हैं, प्रेम की डोरी से बंध जाते हैं जो हमें मसीह में एक करता है, जहां हम प्रतिदिन अपने आप को प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित करते हैं ताकि प्रभु की इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो। लेकिन उद्धार के उस मधुरता को स्वाद करने के बाद भी अगर हम फिर भी पाप को चुने, पाप के मार्ग को चुने, तो हम प्रमाण देते हैं कि हम दंड के लायक हैं। सो आइए हम प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु के सामर्थ्य हाथ में अपने आप को समर्पित करें ताकि जो काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में शुरू किया उसे पूरा करें। इस संसार से जाने के पहले वो काम पूरा हो सके, अधूरा ना रहने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके बहुमूल्य वचन के लिए। बाप, हम आपके बनाए हुए हैं। प्रभु, आपने वो बड़ा काम जो हमारे अंदर शुरू किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। एक कुम्हार की तरह आप हमें बना दे प्रभु, हम सिर्फ मिट्टी हैं प्रभु, ये काम कभी रुकने ना पाए। हमारी कमियों को हमें बता दे प्रभु ताकि हम उन पर जय पा सकें और आपकी महिमा का कारण बन सकें। आपकी आशीष मांगते हैं, सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।